नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रिस्तरी पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के आम चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ी हुई है। मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं नेता, उम्मीदवार और राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी और कह रहे हैं, मतदाताओं हम ही आपके सच्चे हितैषी हैं, हमको मत देना। रूठने मनाने का सिलसिला चल रहा है और किस प्रकार चुनाव में जीत दर्ज कराई जाए इसके प्रयास चल रहे हैं। कूटनीति भी है, राजनीति भी है, सब प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। और ऐसा भी हो रहा है जब एक दल को छोड़कर दूसरे दल में नेता सम्मिलित हो रहे हैं और ऐसे नाम उभरकर सामने आने लगे हैं। एक है, पुलिस कांस्टेबल को लगा मैं भी नेता बन जाऊं, और फिर क्या था, त्याग पत्र दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, सदस्यता ली और फिर कूद पड़े चुनावी मैदान में। चुनाव लड़ा, जीते तो नहीं, परंतु कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वह बसपा से कुछ नाराज नाराज से दिखलाई देने लगे। मामला जो भी हो, फिर क्या था, भीम आजाद पार्टी, लगातार प्रयास, संपर्कों का दौर, फिर भी अपने सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के वक्तव्य देकर जन के बीच पहुंचने का प्रयास करते रहे। नेता बनने का उनका जो प्रयास था वह लगातार जारी रहा। अब वह कांग्रेस के सदस्य बन गए। कोमल अहिरवार जो कि कभी दमोह विधानसभा 55 से उम्मीदवार थे बहुजन समाजवादी पार्टी के, अब वह कांग्रेस के नेता कहलाएंगे। कांग्रेस कार्यालय में जिले के अध्यक्ष कांग्रेस के मनु मिश्रा और दमोह विधानसभा 55 के विधायक अजय टंडन ने उनको सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस का पट्टा नहीं पहनाया गया यहाँ पर, सदस्यता लेने वालों को गले में पट्टा नहीं पहनाया गया, हार पहनाया गया, सदस्यता पर्ची दी गई है। और अब कोमल अहिरवार और उनके साथ में सदस्यता लेने वाले कहते हैं कि कांग्रेस हमारी पार्टी है, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और कहते हैं जिएंगे यहीं, मरेंगे यहीं, कांग्रेस में काम करेंगे। इस अवसर पर क्या कहते हैं अजय टंडन, दमोह विधायक 55 के जो विधायक हैं दमोह 55 के अजय टंडन, उनसे हमने चर्चा की तो कोमल अहिरवार और अन्य नेताओं के उनके साथ में जो सम्मिलित हुए हैं कांग्रेस में, उनके संबंध में क्या कहते हैं अजय टंडन, आइए हम सुनते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित मनु मिश्रा जी, सम्माननीय सीनियर एडवोकेट विजय चौबे जी और भाई वीरेंद्र दवे जी की इच्छा के अनुरूप और आप सबकी इच्छा के अनुरूप ये पाया गया, इन सब भाइयों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको अवगत कराया। ये बात स्पष्ट रूप से साफ हो गई है, देश क्या, प्रदेश क्या, दमोह विधानसभा क्या और दमोह जिला क्या, कि दलित समाज का और अन्य समाज का जो भी सुरक्षा है, जो भी है, सब कांग्रेस के अंदर ही है। ये सब सारी चीज़ों को सोचते हुए इन भाइयों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। हम कांग्रेस परिवार की ओर से यह विश्वास दिला सकते हैं कि इनका मान सम्मान बरकरार रहेगा और इनके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करेंगे।